करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करेंगे। तो वो कैसे उड़ा देता है वो अलग बात है, पर एक्सेप्ट कैसे करता है, क्या एल्गोरिदम लगा रहा है, क्या प्रिंसिपल लगा रहा है, ये समझ में आ रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू का मतलब है क्वालिटी फैक्टर। बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर क्यू वैल्यू एक नंबर है जो आपको ये बताता है कि सिग्नल की क्वालिटी कैसी होगी। हायर द वैल्यू ऑफ क्यू, क्वालिटी बढ़िया है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लोअर द वैल्यू ऑफ क्यू, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यू वैल्यू कैसे निकलती है, क्वालिटी फैक्टर को ये डिफाइन बाद में करेंगे, पहले इसे देख लो। मान लो एक सिग्नल आया, ये रहा, एलसीआर में पास करेंगे तो ये वेरिएशन है, ये ओमेगा आर है, ठीक, पीक वैल्यू, और यहां पर करंट क्या आ गया, मैक्सिमम। अब इसके आसपास दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। जब करंट किसके इक्वल होगा, ई नॉट बाई रूट टू, क्या होता है, ई आर एम एस, ई आर एम एस बाई आर क्या है, आई आर एम एस। तो करंट किसके इक्वल होगा, आई आर एम एस। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू आई, ये किसके इक्वल है, ई आई आर एम एस। वो क्यों, आई आर एम एस की वैल्यू ऐसे, ई आर एम एस बाई आर क्या है, आई आर एम एस, रेजोनेंस की बात हो रही है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे और इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, ई नॉट बाय रूट टू, ऐसे कुछ। तो मतलब कि जो करंट है, वन बाय रूट टू टाइम्स मैक्सिमम करंट, ऐसे बोल सकते हो। और आर एम एस वैल्यू यही बोलती है कि वन बाय रूट टू टाइम्स मैक्सिमम करंट है। तो दो वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगी, एक ओमेगा आर के लेफ्ट, एक ओमेगा आर के राइट, जब ये वैल्यू अचीव हो जाएगी। कोई डाउट इसमें, ठीक। अब आ गए, एक टर्म समझ लो, जिस टर्म को बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ है, सुना होगा कि कोई भी ट्रांसमिशन करना है उसकी कुछ बैंडविड्थ चाहिए होती है। मैं आपको समझाता हूं बैंडविड्थ का मतलब क्या है, इजी एग्जांपल से। अगर आप बहुत सारे ट्रैफिक को सेंड करना चाहते हो इकट्ठे, गाड़ियां भी चल रही हैं, ट्रेन भी चलानी है, प्लेन भी चलाना है, साइकिल वाला भी चलेगा, पैदल भी चलेगा, तो बेस्ट तरीका यह माना जाता है कि एक सड़क के हिस्से कर दो। यहां सबसे लाइट व्हीकल्स, पैदल चलने वाली यात्री यहां चले, बात ही खत्म है, एक्सीडेंट होने का चांस ही नहीं है। जो कोई साइकिल या स्कूटर चलाना चाहता है, टू व्हीलर, वो यहां पे चले, और बीच में डिवाइडर भी लगा दो ताकि यहां का ट्रैफिक इसमें मिक्स ही ना हो पाए। कोई अगर ट्रक चलाएगा, इस पे चलेगा, अलग अलग लेन्स बांट रहा हूं मैं। कोई ट्रेन चलाएगा तो इसमें चला जाए, कोई प्लेन चलाएगा फिर वो अलग ही चला जाए, एक्सीडेंट ही नहीं होगा ना। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक। उसी तरीके से हमारा ये जो मीडियम है हवा, हवा को हर कोई यूज कर रहा है, मैं भी यूज कर रहा हूं, लाउडस्पीकर की आवाज देखो वायरलेस जा रही है, इसमें रेडियो के सिग्नल्स भी आ रहे हैं, टावर से मोबाइल के सिग्नल्स भी चल रहे हैं, टीवी के सिग्नल्स भी इसमें कैच हो सकते हैं, तो बहुत सारे सिग्नल्स हैं। ये सिग्नल साइनोसाइडल होते हैं, साइन वेव की तरह, और इनकी सुपर पोजिशन हो जाती है, कभी कभी इंटरमिक्सिंग हो सकती है, क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ्ट हवा में, पर होती नहीं, देखो चल रहा है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, जैसे मेरे लाउडस्पीकर में गाने बजते हैं, कभी कभी, रेयर केस, तो देखा होगा कई बार गाने चल रहे होते हैं, वो एंटीना कैच कर जाता है, लो फ्रिक्वेंसी को कैच कर जाता है, कभी कभी रिकॉर्डिंग में काफी लोग बोलते हैं, मेरी क्लास में भी चलता है वैसे, अक्सर 7:15 के बाद होता है, ठीक, कोई गाने सुनता होगा यहाँ कहीं, ठीक। तो अब क्या दिक्कत है कि इसमें तो कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही, साथ में मोबाइल भी कोई सुन रहा है, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है, कोई टीवी देख रहा है, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं, क्योंकि हमने स्पेस को बांट दिया अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। कैसे, अगर कोई लो फ्रीक्वेंसी काम करना चाहता है, जैसे मैं क्लास में कर रहा हूँ, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, सेंटर लॉकिंग है, रिमोट से खुलती है, ब्लूटूथ है, ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, इमेजिन कर लो कि इनको डिवाइड कर दिया 0 से 100 हर्ट्ज के बीच में,
इमेजिन कर लो कोई भी वैल्यू लिख दी, इस पे लो सिग्नल ही चलेगा। रेडियो स्टेशन अगर कोई चलाना चाहता है वो इसके बीच में नहीं चलेगा, लेट अस सपोज। क्यों बताता हूं क्यों, ट्रैफिक को मैं अलग अलग कर रहा हूं। अब जैसे किसी ने ये मशीन बेचनी है, ये जो लाउड स्पीकर वाली वायरलेस है, कंपनी हजारों बनाएगी, अब इसमें इनफाइनाइट मशीन्स भर सकती हैं। मेरी मशीन की फ्रीक्वेंसी 1.1 है, अब वो सेकंड मशीन बनाएगी 1.25 की बना देगी, 1.26 की बना देगी, 1.28 की बना देगी, 1.30 की, डेसिमल में ही। अब एक जगह तो लग रही नहीं मशीन। मैं मानता हूँ कि 1.2 की फ्रीक्वेंसी के साथ अगर 1.21 रखेगा तो शायद कैच भी कर लेगा थोड़ा बहुत, पर पता नहीं किस कंट्री में जाके बिकेगी वो मशीन इकट्ठी, एक बंदा तो एक ही यूज़ करेगा ना। ठीक, तो इसीलिए हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी सेम कर लें फिर गड़बड़ है, फिर कैच हो जाएगा सिग्नल। तो फ्रीक्वेंसी बना, जो मशीन बनाने वाले हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ उसको बनाते ही जा रहे हैं, रिकॉर्ड में रखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की कौन सी हम रेंज दे रहे हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो इस तरीके से चीजें आपस में इंटरमिक्स नहीं होती। अब कोई रेडियो स्टेशन यूज करना चाहे, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, छोटी रेंज के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई रेडियो स्टेशन खुद बनाना चाहता है कि मैं भी रेडियो चलाऊंगा स्टेशन, तो उसको ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कमर्शियल यूज है ना, बिजनेस है, एड चलेगी, तो 92 या मान लो 103.4 मिल गया। अब ये एक बार हवा में असाइन हो गया ना फ्रीक्वेंसी, बस हो गया, अब ये दूसरा किसी को मिल नहीं सकता, फिक्स हो गया। और अगर कोई इस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो स्टेशन चला दे घर पे बना के, चलाने में क्या कर दे सेट और कर दे, फिर तो पुलिस केस बनना ही बनना है। केस बनेगा ऑब्वियसली, पर्चा दर्ज नहीं होएगा क्या कि उनका बिजनेस खराब कर रहे हो आप, फ्रीक्वेंसी आप इंटरफेयर कर रहे हो ना, अलाउड नहीं है, सिग्नल खराब नहीं हो जाएंगे सबके। ऐसे तो मैं चोरी करूं तो किसको क्या पता, अभी उस दिन पकड़ा गया, फिर उस दिन अगर लार्ज स्केल पे पूरे शहर में ही कर दूंगा, उनको पता नहीं होता कि कितना सिग्नल जा रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, सब पता है उनको। क्वालिटी फैक्टर चेक कर लेंगे, क्या क्वालिटी है रिसीविंग की, टेस्टिंग नहीं करते होंगे कि सिग्नल कैसा आ रहा है। अब जो कोई चीज बेच रहा है उसकी टेस्टिंग नहीं करेगा कि सिग्नल चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, चलेगा ही। टीवी टेलीकास्ट वाले अपने घर वहां टीवी नहीं लगाएंगे, देखेंगे नहीं टीवी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, देखेगा। ठीक, तो ये असाइंड हो जाती है एक बार। अब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में काफी अंतर डाला जाता है, मैंने तो कम ली है, काफी अंतर होता है। क्यों? क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी आपस में सुपर इम्पोज नहीं करती। अगर फ्रीक्वेंसी पास पास है तो सुपर इम्पोज करती है, दूर है तो नहीं करती। अब किसी को मोबाइल फोन चलाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई रखी जाती है, और वैसे भी एनर्जी क्या होती है, एच इनटू न्यू, न्यू बड़ा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सिग्नल। और टाटा स्काई वाले तो रेडियो वेव्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन भी, तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, वो तो इंटरफेयर होती नहीं इनके साथ। तो एरिया बांट लिया हमने ऐसे। किसी ने पूछा कि जो ये जो फ्रीक्वेंसी थी, रेंज थी, फ्रीक्वेंसी की रेंज देख रहे हो, सबसे लो 0 से 100 थी। किसी ने पूछा सर बैंडविड्थ कितनी है इसकी, तो हायर फ्रीक्वेंसी को लोअर फ्रीक्वेंसी से माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। मान लो रेडियो टीवी या कोई भी कम्युनिकेशन चलता है, मान लो 150 हर्ट्ज से लेके मान लो 250 हर्ट्ज तक, इसके बीच में ट्रांसमिशन कोई भी कर सकता है। इसी ने कहा इसकी बैंडविड्थ कितनी है, तो क्या करेंगे, 250 में से 150 माइनस कितना आएगा, 100। तो 100 की बैंडविड्थ असाइन हुई कोई बोलता है, तो 100 की बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 100 है। ठीक, इसके ऊपर सीबीएसई और मेंस और नीट या जो भी है एक एक बार क्वेश्चन दे चुकी हैं, वो ये कि सपोज आपने, आपके पास एक टेलीफोन एक्सचेंज है, वो टेलीफोन एक्सचेंज की मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज तक है, तो इसके बीच में आप टेलीफोन चला सकते हो। एक टेलीफोन जब ऑन होता है तो इसकी स्पेस ले लेता है इतनी, ये जगह ले लेता है, और वो 2 हर्ट्ज की स्पेस लेता है। एक फोन चलता है तो 2 हर्ट्ज की बैंडविड्थ ले जाता है। टोटल अवेलेबल कितनी है, 2 से 100 के बीच में। मैक्सिमम कितने टेलीफोन चल सकते हैं आपको इकट्ठे चलाने हैं, वो लिमिट भी तो होती होगी, कितने चल पाएंगे ये बताओ। अब हर कोई अगर 2 2 2 यूज करता जाएगा, कितनी बैंडविड्थ है हमारे पास, 100 में से 2 गया 98 हर्ट्ज की,
जब एक टेलीफोन चलता है तो कितनी स्पेस ले लेता है, 2 हर्ट्ज की, तो कितना आएगा 49 टेलीफोन इकट्ठे चल सकते हैं, 50 नहीं चलेगा इस पे। अब वो स्पेस ले लेता है फ्रीक्वेंसी की, ऑक्यूपाई करता है वो। ऐसे नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं कि कितने मर्जी चला दो, तो एक जब चलता है तो बैंडविड्थ लेता है, मतलब जैसे ये 2 है, ये मान लो थोड़ी देर में 48 हो गया, 48 और 50 के बीच में चलेगा वो, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा वो फ्रीक्वेंसी की, इसकी टेलीफोन के टेलीफोन में नहीं तो लैंडलाइन है, ये तो लैंडलाइन की मतलब वायर है, वायर की जो एक्सचेंज में मोटी वायर लगी होती है, कई टेलीफोन चल रहे होते हैं ना इकट्ठे, ये वो है, नहीं होती है सुपर इम्पोज, होती हैं नहीं होती हैं, सिग्नल्स खराब भी होते हैं। आप कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, मैंने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, साइक्लिक चेक रखा होता है बिट्स की फॉर्म में 0110 में ना, ऐसा मैथमेटिकल मैथ्स यूज किया हुआ उन्होंने बड़ा जबरदस्त, अगर बिट खराब भी होता है मशीन को पता लग जाता है बिट खराब हुआ है, सिग्नल खराब, उसको रिस्टोर कर देती है मशीन, बहुत टेक्नोलॉजी ऊपर है, अब तो बन चुकी टेक्नोलॉजी, अब तो क्लैरिटी है, तो कहीं तो खराबी होती होगी, तो वो खराबियां सब ठीक हो चुकी हैं, मशीन्स हैं जो उन खराबियों को ठीक भी कर देती हैं, खराबी तो होती है, 100% एफिशिएंट नहीं जाता सिग्नल, पर मशीन लगी हुई है जिसको ठीक तरह काम कर देती है। दिखाऊंगा कैसे, अभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे उसमें दिखा, टेक्निक सीखेंगे भी, कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। तो अब इसमें ये बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट है, अब इधर आ जाओ, इसमें इसके अंदर ड्रॉ कर, यहाँ लिखना डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा ओमेगा, सच डेल्टा ओमेगा, यहां भी डेल्टा ओमेगा बनाओ, डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा, ठीक। तो इन दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसको क्या लिखा 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, तो ये क्या आ गई इसकी बैंडविड्थ, ये क्या बैंडविड्थ है, ये वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है जब करंट क्या आया था, आए आरएमएस ई नॉट बाय रूट 2 आर। तो अब अगर मैं क्यू फैक्टर डिफाइन करूं, क्यू फैक्टर क्या होता है, ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो बैंडविड्थ से, और बैंडविड्थ कौन सी, जब करंट कितना हो जाता है ई नॉट बाय रूट 2 आर, अगर इसको डिवाइड करेंगे वो सिग्नल का क्वालिटी फैक्टर कहलाएगा। अब जितनी कम बैंडविड्थ होगी इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, पीक नीचे गिर जाएगा, चौड़ाई ज्यादा होगी पीक नीचे गिर जाता है, तो सिग्नल क्लियर नहीं माना जाता, करंट कम है, वीक सिग्नल है। लेकिन अगर बैंडविड्थ कम होगी पीक उठ जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, क्लियर सिग्नल माना जाता है। तो लोअर द बैंडविड्थ हायर इज द क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन, क्वालिटी फैक्टर सीरीज रेजोनेंस के अंदर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ साइड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सच दैट एट ईच फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 करंट एम्पलीट्यूड इज 1/√2 टाइम द वैल्यू एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जितना इसमें है उतना 1/√2 हो जाता है, ठीक। नहीं तो ये डेफिनेशन याद कर लो, ये भी सही है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ बता रहा है वो इतनी स्टेटमेंट में, क्लियर। अब इसमें लिखा हुआ है, वैसे ये स्टेप की जरूरत ही नहीं है पर फिर भी बता देता हूं, ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 ये डिस्टेंस बोलना कितना है ओमेगा आर, ओमेगा आर में से डेल्टा ओमेगा माइनस कर दो ओमेगा 1। ओमेगा 2 को क्या लिखेंगे, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक। इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस करके क्या आएगा 2 × डेल्टा ओमेगा। इस स्टेप की जरूरत नहीं, हमें पता ही है कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या दे रहा है हमें, 2 × डेल्टा ओमेगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। अगर बैंडविड्थ लो है करंट शार्प हो जाएगा ऊपर को, क्वालिटी फैक्टर हाई हो जाएगी, क्वालिटी फैक्टर डायमेंशन लेस है, इसके कोई यूनिट्स नहीं है।